गोदान, लेखक मुंशी प्रेमचंद। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी नहीं मिला था। उस रमणी में जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहो मालती, मैं उसे ना जाने दूंगा। उसकी सेवाओं और कृपाओं का ये पुरस्कार देकर मैं अपनी नजरों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जलकर कहा, ठीक है तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती दो तीन कदम चली तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा ये स्नेह, तुम्हारी ये निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डाला था जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को असामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ठिगने, इकहरे, रूपवान आदमी थे। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, ये मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ सा मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था, कुछ स्वभाव से शांति प्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूं तो उतनी विद्या कहां से लाऊं। वही जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखा, वो अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से 1000 महावार फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा। वो दर्शन न बघारे तो कौन बघारे, बताइए। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं। ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज के कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुई जाती है। मैं समझता हूँ वो केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वो क्या जलाएंगी बेचारी, मैं उन्हें खिलौने से ज्यादा नहीं समझता। मिस्टर खन्ना, ये तो ना कहो, मिस मालती पर तुम जान देते हो। यों तो मैं आपको भी यही इल्जाम दे सकता हूँ, मैं तो सचमुच खिलौना समझता हूँ, पर आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कह कहा मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। राय साहब बोले, अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो बुरा क्या है। अब की राय साहब ने जोर से कह कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी उसकी पूजा करेंगे उतना ही वो आपसे दूर भागेंगी, जितनी ही दूर भगाएंगे उतना ही वो आपकी ओर दौड़ेंगी। तब तो उनको आपकी ओर दौड़ना चाहिए था राय साहब, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना, सच कहता हूँ। मुझमें जितनी बुद्धि, जितना बल है, वो इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर में जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, को काहू में मगन, को काहू में मगन। और इन सब अजगरों को भक्ष्य देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से ताल्लुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, ये सब मैं जानता हूँ, मगर वो लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज डिग्रियां हो रही हैं, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते, चारों तरफ बदनाम है। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे, मैं अपने आप को न रोक सका। जेल गया और लाखों रुपए की जेरबारी उठाई, और अभी तक उसका तवान दे रहा हूं। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या ये अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर क्या करूं। जिस व्यवस्था में पला और जिया, उसे घृणा होने पर भी उसका मोह नहीं त्याग सकता, और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूं कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या ना होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता।
और पढ़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। थोड़ा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। दो बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं और ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं तो मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वो संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं है। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाजें कसने लगे। आवाज नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखिए तो पता चले। मैंने तो बैठ कर देखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वहां और चाहे जितनी बुराइयां हो विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर रहूंगा चाहे दुखांति क्यों ना हो। वो मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूं। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया, कहां निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय नहीं कर सका। जिस दिन ये कुंजी मिल गई बस पता है। लेकिन वो कुंजी आपको शायद ही मिले, मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरणियों के साथ चर रहा था, बड़ी सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका, वो क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चर रहा है, चरने दो, धूप तेज हो गई है। आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई मगर हिरन भाग गया। बोले, एक हिरन मिला भी तो निशाना खा ली गया जी, एक हत्या से बचे। हाँ कहिए, क्या कहने जा रहे थे आप? आपके इलाके में ऊख होती है? जी बड़ी कसरत से। तो फिर क्यों ना आप हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए, हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज्यादा नहीं 1000 हिस्से खरीद लें। गजब किया, मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपयों की कमी? कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% ही देना है। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं है। तो रुपए चाहे जितने मुझसे ले लीजिए, बैंक आपका है। और अभी आपने अपनी जिंदगी इंश्योर्ड न कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए, 100-200 रुपए तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम भी मिल जाएगी 40-50,000। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पे काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफे की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी चल कैसे रही है। और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। ये जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हुए ना, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हुए हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबड़, किसी जिंस का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का व्यारा न्यारा होता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी है। आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरंदेश लोगों के लिए तो इससे ज्यादा नफे का काम हो ही नहीं सकता। बाजार का उतार चढ़ाव कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे, दो एक बार उन्हें इसका कड़वा अनुभव भी हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था और उनकी कार्य क्षमता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वो केवल अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूजता है, उसकी सलाहों की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाएं, तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है, ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए। तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फूल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, ओए क्या बेचता है? देहाती सक पका गया, डरा कहीं बेगार में न पकड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। ओए क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता। देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखलाया।
मामूली चीजें थी जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तारों के हाथ दो चार आने में बेच आते हैं, जैसे मकोए, कंघी, सहदैया, कुकरौंधे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करेंजे, घुमची आदि। हर एक चीज दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उसके गुण भी बयान करता जाता था। ये मकोए है सरकार, ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। ये धतूरे के बीज है मालिक, गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा, उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रखाने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया, आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप ये घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इनकी अशर्फियां बनाऊंगा, मैं कीमियागर हूं, ये आपको शायद मालूम नहीं। तो यार वो मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ शौक से, मेरी शागिर्दी कीजिए, पहले 1.25 शेर लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बताऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं, उनको इतना मालूम हो जाए कि ये किसी फकीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे, और आप वो चीज उन्हें दे दे तो हमेशा आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपए में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान का नमदा कसा जा सकता है तो बुरा क्या है, जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कुतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको कैसे याद रहेंगे? खन्ना ने कह कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मजे की बातें करते हैं। जिस बूटी में जो गुण चाहे बता दीजिए, वो आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं ना, इन लंबी पूछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब के सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो एक वनस्पति शास्त्र के ऐसे प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरौंधे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे, अब की आप आएंगे तो उनसे मिलवाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है, माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल 1 बार दूध पीते हैं दिन में। सच कहूं ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे, पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे दीक्षा अवश्य लीजिएगा, मुझे विश्वास है आपकी ये सारी कठिनाइयां छूमंतर हो जाएंगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे, ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब ये है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर संन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथ, इन सबको टोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। कहते हैं रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो, देवता बनने का ख्याल छोड़ दो, देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी वो विश्वास था जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वो भी लालायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते तो मन में आता संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों को वो भी साधारण मनुष्यों की भांति आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं समझते थे, और इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? लेकिन जब वो संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया? जी उन्होंने संन्यास कब लिया साहब, वो तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए, विचार स्वातंत्र्य उनके उपदेशों का तत्व है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, विचार स्वातंत्र्य का आशय क्या है? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आया, अब की आइए तो उनसे बातें हों। वो प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं, मालती को भला इनसे क्या मिलाता? वाक्य पूरा न हुआ था कि वो सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, वो ये क्या करते हैं आप, खामखा उसे छेड़ रहे हैं, कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए, मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूं। अरे तब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत थी मेरी और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया यार, ऐसे अवसर कम मिलते हैं। अरे मैं तो यहां अब नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है ये तो। एक आध शिकार मार लेने दीजिए, खाली हाथ लौटते शर्म आती है।
आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। मिस्टर खन्ना, आप बड़े डरपोक हैं सच। व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? क्यों, रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वो चीख मार कर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना ही पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था, तब से संस्कृति तो बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा, मैं मिस मालती से आपकी कलाई खोलूंगा। अरे मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो ये आपका अहिंसावाद था, शाबाश, खन्ना ने गर्व से कहा। जी हाँ, ये मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं, लज्जा आपको आनी चाहिए न कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें और शक्कर के हिस्सों का भी, मेरे पास दोनों फॉर्म भी मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, जरा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की कोई जरूरत है नहीं। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शेद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्जा खुर्शेद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वो वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वो विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते, किसी के साथ रू रियायत करना न जानते थे, बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था कल का पता नहीं। गुस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल ठोंक कर सामने आ जाते थे, नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहां किसी ने शान दिखाई और ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़े, न अपना लेना याद रखते न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का, औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दीवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तंखा दांव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़कर निकल जाने में बड़े सिद्ध हस्त। कहिए तो रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें, ताल्लुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलोजान से उसका काम करते और 10-20 हजार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सहायक थे, जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद न करें, पर वो स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्जा खुर्शेद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, अम्मा मियां, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन ही नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वहीं बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी।